सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द क्लास प्लेसिपोडा। बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, वी विल डिस्कस द बायलेटरल सिमेट्री ऑफ ब्रेक्योपोड सेल एंड प्लेसिपोड सेल फर्स्ट। सो आई हैव टोल्ड यू दैट द ब्रेक्योपोड सेल इज़ मेडअप ऑफ टू वॉल्स विच आर अनइक्वल बट दे आर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मीन्स दे शो इक्वल ग्रोथ इन एवरी डायरेक्शन, राइट। एंड इन प्लेसिपोड सेल वी हैव डिस्कस्ड दैट द प्लेसिपोड सेल इज मेडअप ऑफ टू वॉल्स विच आर इक्वल बट दे आर इन इक्विलेटरल। सो बेसिकली ब्रेक्योपोड सेल जो है वो अनइक्वल वॉल है बट इक्विलेटरल सेल है। एंड प्लेसिपोड सेल के अंदर क्या हो रहा है कि दो वॉल हैं, दोनों इक्वल हैं बट दे आर इन इक्विलेटरल। सो इन गिवन डायग्राम यू कैन सी दैट कि ये आपका ब्रेक्योपोड का सेल है और ये आपका प्लेसिपोड का सेल है, ठीक है। यहाँ एक वॉल ये है, दिस इज़ वन वॉल एंड अनदर वॉल इज दिस। सो इस वॉल को देखेंगे तो ये आपका क्या है, इक्विलेटरल सेल है, और इस वॉल को देखेंगे तो ये भी आपका इक्विलेटरल सेल है ना। बट दे आर अनइक्वल, ये आपका ये वॉल और ये वॉल आपके दोनों अनइक्वल हैं। प्लेसिपोड सेल में देखेंगे तो ये आपके दोनों सेल क्या हैं, एक ये वॉल है और एक ये वॉल है, ये दोनों वॉल क्या हैं, इक्वल हैं बट दे आर इन इक्विलेटरल, ठीक है। तो अब इन इक्विलेटरल में इसका फ़र्क क्या पड़ेगा कि दोनों वॉल जहाँ पे मिल रहे हैं ये आपकी क्या है, हिंज लाइन, ठीक है। ये दोनों वॉल जहाँ पे मिलेंगे एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी जिसको आप क्या बोलते हैं, हिंज लाइन, ठीक है। और ये भी आपकी क्या है, हिंज लाइन। तो अब हिंज लाइन के परपेंडिकुलर जब अपन लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द हिंज लाइन जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तब आपका ब्रेक्योपोड सेल क्या देगा, एक बाइलेटरल सिमेट्री। और यहाँ पे हिंज लाइन के अलोंग या इन बिटवीन टू वॉल जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, वो आपको क्या देगा, एक बाइलेटरल सिमेट्री। सो इन ब्रेक्योपोड सेल वी विल गेट अ बाइलेटरल सिमेट्री बाई ड्रॉइंग ए लाइन परपेंडिकुलर टू द हिंज लाइन, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, इन बिटवीन द वॉल और अलोंग द वॉल्स आपको बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। सो अब अपन डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बाइवोलिया, दैट इज डेंटिशन, ठीक है। डेंटिशन जो है बाइवोलिया का वो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे फैनेटिक जो मैंने बताया था टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में अपन जब देखते हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें तीन कैटेगरी अपन ने देखी थी, टेक्सोनॉमिक, फाइलोजेनेटिक एंड फैनेटिक। तो फैनेटिक क्या होता है कि टाइपोमॉर्फिक एक टाइप का क्लासिफिकेशन होता है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर फीचर के बेसिस पे फॉसिल्स और ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो डेंटिशन इन बायोलिया इज़ दैट पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर अपॉन विच वी रेडियली आइडेंटिफाई बायोलिया, ठीक है। तो इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। जैसे कि आपके प्लेसिपोड के अंदर दो वॉल हैं एंड बोथ द वॉल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई मीन्स ऑफ डेंटल सिस्टम, ठीक है। ब्रेक्योपोड में क्या था, लिगामेंट से हेल्ड थे, और यहाँ पे ये जो दोनों वॉल हैं इनके टीथ एंड सॉकेट जो हैं वो एक वॉल के टीथ एंड सॉकेट दूसरे वॉल के टीथ एंड सॉकेट के अंदर परफेक्टली फिट होते हैं, ठीक है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक है। अब जब दोनों फिट होंगे, एक वॉल के सॉकेट और टीथ दूसरे वॉल के टीथ एंड सॉकेट में परफेक्टली फिट होंगे तो वो क्या करेंगे, वॉल्स के लेटरल स्लिपेज को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल सिस्टम है ये किसके बेसिस पे है, नेचर ऑफ हिंज एंड शेप एंड नंबर ऑफ द टीथ, ठीक है। तो डेंटल सिस्टम ऑफ द बाइवोलिया को कई तरह से डिवाइड किया गया है, कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हिंज लाइन एंड शेप ऑफ द नंबर, शेप एंड नंबर ऑफ द टीथ। सो जैसे होमोडोंट है, ठीक है, तो होमोडोंट के अंदर आपके क्या है कि साइज एंड शेप ऑफ द टीथ इज सिमिलर। और हेट्रोडोंट डेंटिशन जो है इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ द टीथ। तो होमोडोंट का एक एग्जांपल हो गया अर्का, और हेट्रोडोंट डेंटिशन का एक एग्जांपल हो गया कार्डिटा। अब हिंज लाइन का नेचर क्या होगा, हिंज लाइन या तो स्ट्रेट होगी या कर्व्ड होगी, ठीक है, या तो स्ट्रेट होगी या कर्व्ड होगी। तो यह आप ध्यान में रखेंगे, होमोडोंट तब बोलेंगे जब साइज एंड शेप ऑफ द टीथ इज सिमिलर, हेट्रोडोंट तब बोलेंगे जब डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ द टीथ वी आर गेटिंग, ठीक है। तो अभी इनका अपन टाइप्स देखते हैं, जैसे टैक्सोडोंट है, सबसे पहले टैक्सोडोंट अपन पढ़ते हैं। तो टैक्सोडोंट का क्या करेक्टरिस्टिक है, हिंज लाइन स्ट्रेट होती है और बहुत सारे होमोडोंट टीथ होते हैं जो रेडिएट करते हैं आपके सेंट्रल वॉल से, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल है अर्का, यहाँ ये आपका डेंटिशन टीथ है,
जिसका नाम है टेक्सोडोंट। ये डिटेल्स आप अगर ध्यान में नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा कि हिंज लाइन स्ट्रेट होती है या होमोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। बट यू हैव टू कीप इन माइंड द नेम ऑफ द डेंटिशन पैटर्न एंड द करेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल। जैसे टेक्सोडोंट का जो आपका एग्जाम्पल है वो अर्का, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे डाइसोडोंट अपन डिफाइन करने जाएँ तो डाइसोडोंट में क्या होता है, बहुत सारे होमोडोंट टीथ होते हैं जो अंबों से रेडिएट करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है माइटिलस, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। फिर जैसे आपका आइसोडोंट है, तो आइसोडोंट में भी टीथ एंड सॉकेट क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। आइसो का मतलब ही क्या होता है, सिमेट्री, ठीक है, एक जैसा। फिर इसके अंदर टू और थ्री टीथ होते हैं जो इक्वल साइज़ के होते हैं हर वॉल के अंदर जो होते हैं। तो आइसोडोंट का एग्जाम्पल क्या है, स्पोंडिलस, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। फिर आपका क्या है, स्काइजोडोंट। स्काइजोडोंट में भी क्या होता है, टीथ अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम दी अम्बो, ठीक है, टीथ अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम दी अम्बो, और इसका एग्जाम्पल क्या है, यूनियो एंड ट्राइगोनिया, ठीक है। स्काइजोडोंट में क्या हो रहा है कि जो टीथ हैं वो आपके अम्बो से डाइवर्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपका है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट में अपन ने पहले देख लिया है कि यूनिफॉर्म साइज़ के नहीं होते हैं शेप, जो आपके टीथ जो है दे आर नॉट यूनिफॉर्म्स इन शेप एंड साइज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लो अम्बो है, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे ये आपका अम्बो है, ये अम्बोनल एरिया है, तो इस अम्बोनल एरिया के जस्ट बिलो जो होगा उसको आप क्या बोलते हैं, कार्डिनल टीथ, ठीक है, और अम्बो से अवे जो टीथ होंगे उनको आप क्या बोलते हैं, लेटरल टीथ, ठीक है। तो अम्बो के जस्ट बिलो जो टीथ है उसको आप क्या बोलते हैं, कार्डिनल टीथ, और जो अवे फ्रॉम दी अम्बो है उनको आप क्या बोलते हैं, लेटरल टीथ। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्डिटा, विनस एंड मेरेट्रिक्स, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका क्या है, जैसे डेस्मोडोंट, तो डेस्मोडोंट में क्या हो रहा है कि टीथ एंड हिंज लाइन आर रिप्लेस्ड बाई रिज एंड स्मूथ लेमिली। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्लेसीपोड के अंदर कौन सा डेंटिशन पैटर्न है जिसके अंदर टीथ एंड हिंज लाइन आर रिप्लेस्ड बाई स्मूथ लेमिली एंड रिज, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ऑस्ट्रिया, एक्सोगायरा एंड ग्रिफिया, ठीक है। फिर आपका आता है पेंटाडोंट। तो पेंटाडोंट आपका मेनली ध्यान में रखना है कि जो आपके ऑर्डोविशियन एंड सिलूरियन टाइम की जो फॉर्म्स हैं उनके अंदर ये मिलता है, ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे इसका एलोडेस्मा, ठीक है। उसके बाद में डायगनोडोंट। डायगनोडोंट में बेसिकली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टीथ के बेसिस पे अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और इसको प्री हेट्रोडोंट भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो कार्डिनल टीथ होते हैं, नंबर ऑफ कार्डिनल टीथ इज़ वन एंड लेटरल टीथ इज़ थ्री, और एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एस्टर्टे, ठीक है। तो ये डायगनोडोंट को ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेंटिशन पैटर्न पजेज वन कार्डिनल टीथ एंड थ्री लेटरल टीथ, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्ट्रेट, और इसको क्या बोलते हैं आप, डायगनोडोंट, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, साइक्लोडोंट। साइक्लोडोंट में हो क्या जाएगा कि जो हिंज लाइन है वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट, स्ट्रेट की जगह क्या हो जाएगी, हिंज लाइन इज रिप्लेस्ड बाई कर्व्ड लाइन। जो स्ट्रेट हिंज लाइन थी वो आपकी क्या हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्डियम, ठीक है। एक होता है एस्थिनोडोंट। साइक्लोडोंट में तो सिंपल सा है कि हिंज लाइन है वो आपकी कर्व्ड हो जाएगी रेदर देन स्ट्रेट। एस्थिनोडोंट में क्या होगा कि जो डेंटिशन है वो आपका एक्सटेंडेड टंग लाइक टूथ होता है, ठीक है, टंग लाइक प्रोजेक्शन होता है टूथ का, जो जस्ट बिलो दी अम्बो आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कौन से फॉर्म्स में मिलता है अपने को, जो बरोविंग एनिमल्स हैं। अभी अपन इकोलॉजी स्टडी करेंगे अपने पेलेसी पोड की, तो इसमें देखेंगे कि बरोविंग एनिमल्स कौन से हैं और एपिफॉनल कौन से हैं, एनफॉनल कौन से हैं और फ्री लाइंग कौन से हैं, तो अपन देखेंगे इसमें। अब इसके अलावा जो डेंटिशन पैटर्न तो अपन ने डिफाइन कर दिया है ना, डेंटिशन पैटर्न तो अपन ने डिफाइन कर दिया, बट अपन क्या करेंगे अभी, डेंटिशन पैटर्न क्लासिफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर किस बेसिस पे कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा अपन देखेंगे, है ना। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि मुनीर चालमास, बर्नार्ड एंड मुनीर चालमास डेंटिशन पैटर्न नाम से ये जानते हैं, इसको अपन मैं अभी आपको दिखाऊँ वापस। तो जैसे ये जो बर्नार्ड एंड मुनीर चालमास मेथड ऑफ डेंटल फार्मूला एंड मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली हो क्या रहा है
कि अपन क्या कर रहे हैं कि एक हिंज लाइन ले रहे हैं जहाँ पे दोनों वॉल आपके मिल रहे हैं, उसको अपन हिंज लाइन बोलते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, हिंज लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपका जो अपर साइड है ये आपका राइट वॉल है, और जो लोअर साइड है ये आपका लेफ्ट वॉल है, ठीक है। और सेंटर में आपका क्या है, कार्डिनल टीथ। तो कार्डिनल टीथ को आप क्या देते हैं, ऑड नंबर, वन नंबर। तो राइट वॉल ये पोस्टीरियर मार्जिन है और ये आपका एंटीरियर मार्जिन है, ठीक है। तो जो कार्डिनल टीथ है दैट इज़ गिवन बाय वन नंबर, ठीक है। अब कार्डिनल टीथ के जो लेफ्ट और राइट में जो है, ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे ये टीथ है, ये टीथ है, ठीक है। तो टीथ के बीच में क्या होगा, सॉकेट, ठीक है। यहाँ पे टीथ होंगे, ये टीथ है, ये टीथ है, ये टीथ है, ठीक है। तो इनके बीच में भी क्या होंगे, सॉकेट, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे टीथ है, ये टीथ है, ये टीथ है, तो इनके बीच में भी क्या होंगे, सॉकेट्स। फिर आपका यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो जाए, टीथ हो जाए। तो ये आपके लेफ्ट वॉल के टीथ हैं और ये आपके ऊपर वाले जो हैं, जो ये राइट वॉल के टीथ हैं, ठीक है। तो अब जो राइट वॉल के अंदर जो टीथ हैं उनको आप क्या देते हैं, ऑड नंबर, और जो लेफ्ट वॉल के टीथ हैं उनको आप क्या देते हैं, इवन नंबर। तो जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, ये वन है तो ये क्या हो जाएगा, 3A, 3A है ना, ये क्या हो जाएगा, 5A, ये क्या हो जाएगा, 7A। ए और बी अपन टर्मिनोलॉजी कहाँ में लेंगे, ए एंटीरियर साइड को रिप्रेजेंट करता है, बी आपका पोस्टीरियर साइड को रिप्रेजेंट करता है। यू कैन यूज़ पी ऑल्सो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड अपन एब्रीवेशन काम में ले रहे हैं, इंटीरियर के लिए स्मॉल ए है और पोस्टीरियर के लिए स्मॉल बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3B, 5B, ठीक है। तो ये 2A, इसको 4A, ये 6A, ये आपका क्या हो जाएगा, 2B, 4B, और इस तरह से चलता जाएगा। अब अपन इसका स्टैंडर्ड डायग्राम देखते हैं। जैसे ये आपकी क्या है, हिंज लाइन है, ठीक है। हिंज लाइन के ऊपर ये आपका क्या है, राइट वॉल, और ये आपका क्या है, लेफ्ट वॉल। राइट वॉल ये आपका इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो ये आपका कार्डिनल टीथ है जिसको आपने एक नंबर दिया है, ऑड नंबर, और इसके इधर जो होगा वो क्या चलेगा, ऑड नंबर। राइट वॉल को आप क्या दे रहे हैं, ऑड नंबर, और लेफ्ट वॉल को आप क्या दे रहे हैं, इवन नंबर। तो ये 2A, ये 4A, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटीरियर साइड में जो टीथ है। 2B, 4B ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पोस्टीरियर साइड में जो टीथ है उनको आप क्या हो रहे हैं, 2B, 4B, 6B, 8B, ऐसे चलता जाएगा। समझ गए इसका मतलब, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। सिंपल सा है, हिंज लाइन है, हिंज लाइन के लेफ्ट राइट में आपका पोस्टीरियर है, लेफ्ट में आपका एंटीरियर है, ठीक है। और जो अपर वाला है वो आपका राइट वॉल है, जो लोअर साइड में वो आपका लेफ्ट वॉल है। राइट वॉल को आप क्या देते हैं, ई ऑड नंबर, और जो आपका लेफ्ट वॉल है उसको आप क्या देते हैं, इवन नंबर, ठीक है। और ए और बी रिस्पेक्टिवली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन को। इसकी थोड़ी सी छोटी सी थ्योरी लिखी हुई है कि इवन नंबर इज़ गिवन टू टीथ ऑफ लेफ्ट वॉल, ऑड नंबर इज़ गिवन टू टीथ ऑफ राइट वॉल, नंबर वन गिवन फॉर द फर्स्ट कार्डिनल टीथ। कार्डिनल टीथ क्या था, जस्ट टम्बो के बिलो जो टीथ था उसको आपने क्या बोला था, कार्डिनल टीथ। सॉकेट्स आर रिप्रेजेंट बाई डैश। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो डैश लाइन्स हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है, ये डैश लाइन्स जो हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करी हैं, सॉकेट्स, ठीक है। दीज आर दी सॉकेट्स, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड्स आर डिनोटेड बाई लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका बर्नार्ड एंड मुइनीर चालमास डेंटिसन फॉर्मूला है, इसको आप नोमेनक्लेचर मेथड भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब जो प्लेसीपोड की जो इकोलॉजी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास प्लेसीपोडा। होता क्या है कि बेसिकली आपकी जो इकोलॉजी है वो लिविंग हैबिट को शो करती है। अब मान लो ये ओशियन सरफेस है, एक सेकेंड, यह आपकी ओशनिक बेसिन है, यह आपकी सरफेस है, और यहाँ पे वाटर कॉलम है। अब मैंने बताया था कि फाइलम मोलस्का के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, दो ऑल दी ऑर्गेनिज़म्स बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज़म्स। तो सॉफ्ट बॉडीड होने की वजह से उनके ऊपर क्या है कि बाकी एनिमल्स का अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उनको बहुत सारी मोड ऑफ लाइफ अडोप्ट करनी पड़ती है। तो
तो बहुत सारी मोड ऑफ लाइफ को जब अडॉप्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या होगा, या तो फ्री लाइंग होंगे इस वाटर कॉलम में पूरे में, है ना, या फिर क्या करेंगे सरफेस पे रहेंगे, या फिर इस सरफेस में क्या रहेंगे, ये बरोइंग एक्टिविटी करके रहेंगे, ठीक है, बरोइंग एक्टिविटी करके रहेंगे, ठीक है। तो या तो क्या होगा कि ये एपिफोनल होंगे या आपके इनफोनल होंगे या फ्री स्विमर्स होंगे, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, जब बहुत स्विमिंग करेंगे तो क्या होंगे कि वो थकेंगे, थकेंगे तो क्या होंगे, उनको टेम्परेरी टाइम के लिए रेस्ट चाहिए। रेस्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे वो अपने आप को अटैच करेंगे, ठीक है। तो अटैच करने के लिए क्या होगा, उनको एक बाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे अपने आप को ऑर्गेनिज्म अटैच करता है टू द सबस्ट्रेट। तो आपकी जो इकोलॉजी है वो कितने टाइप की हो जाएगी इसमें, जैसे नॉर्मल, एपिफोनल, बेंथिक, वेजाइल फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है कि ये ओशन फ्लोर है, ये नॉर्मली एपिफोनल है, मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर रह रहा है। बेंथिक मतलब क्या है कि बॉटम के पास में रह रहा है। वेजाइल फॉर्म्स मतलब क्या है कि उनके पास में वेजिलिटी है, एबिलिटी टू मूव, ठीक है, इस ओशन फ्लोर के ऊपर बॉटम पे रह रहे हैं और ये इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू मूव। तो ऐसे फॉर्म्स में क्या क्या आपका करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि जो नॉर्मल एपिफोनल बेंथिक वेजाइल फॉर्म्स हैं वो क्या करेंगी कि सरफेस सब स्टेट के ऊपर रहेंगी, बॉटम के ऊपर रहेंगी और मूव भी करेंगी। तो उनके करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे कि दे विल बी इन इक्विलेटरल, दे विल बी आइसोमेरियन। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा हो प्लेसीपोड के ऊपर, तो मैंने बताया था कि जो डिडक्ट अडक्टर मसल्स होती हैं वो या तो दो होंगी या एक होगी, है ना। दो होती हैं तो डिपेंड्स कि दोनों की जो शेप है, अगर शेप एंड साइज इक्वल है, सिमेट्रिकल है, सिमिलर है, तो अपन उनको क्या बोलते हैं, होमोमेरियन, और अगर नहीं है तो हेट्रोमेरियन, और सिर्फ एक ही अडक्टर मसल हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमेरियन। तो जो नॉर्मल एपिफोनल बेंथिक वेजाइल फॉर्म्स हैं इनके अंदर सिर्फ एक ही सॉरी जो आइसोमेरियन या होमोमेरियन क्या है, एक ही चीज़ है। तो दोनों अडक्टर मसल्स हैं वो दोनों सिमिलर होंगी, शेप एंड साइज में सिमेट्रिकल होंगी, और जो पेलियल लाइन है वो आपकी क्या होगी, नॉर्मल पेलियल लाइन होगी, किसी भी तरीके का उसके अंदर पोस्टीरियर टू डायरेक्शन में या इनवर्ड डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स पोस्टीरियर आपको नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल लाइन, नॉर्मल पेलियल लाइन होगी। इसके जो एग्जाम्पल है वो आपके क्या है, कार्डिटा एंड आर्का, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर क्या होगा कि या तो इनफोनल हो, इनफोनल का मतलब क्या है कि वो आपके सब स्टेट के विदिन रह रहे हो, तो या तो डीप बरोवर्स होंगे या वो क्या होंगे, शेलो बरोवर्स होंगे, या तो बहुत डेप्थ तक जा करके बिल बना के रहेंगे, या आपके क्या करेंगे, शेलो डेप्थ के ऊपर ही आपकी ब्रोइंग एक्टिविटी शो करेंगे। तो शेलो ब्रोवर्स जो होंगे उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होंगे कि जो पेलियल लाइन है उसके अंदर पेलियल साइनस डेवलप हो जाएगा, इनवर्ड डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स पोस्टीरियर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि स्मूथ सरफेस होगी और स्मॉल पेलियल साइनस होगा, तो इसका एग्जाम्पल है साइरिना। फिर आपकी ब्रोइंग एक्टिविटी है वो डीप हो, डीप ज़्यादा डेप्थ तक ब्रोइंग एक्टिविटी हो, तो वो क्या हो जाएंगे, इनफोनल, इन इक्विलेटरल होंगी, एलोंगेटेड होगा, और जो पेलियल साइनस है वो लार्ज हो जाएगा। जैसे मान लो ये पेलियल लाइन है और ये स्मॉल पेलियल साइनस है, ठीक है, इनवर्ड डिफ्लेक्शन टुवार्ड्स दी पोस्टीरियर, यहाँ पे पोस्टीरियर मार्जिन है। तो ये क्या होगा, डीप रोवर्स के अंदर ज़्यादा से इस तरह से हो जाएगा। तो पेलियल साइनस के अंदर क्या होगा, ज़्यादा इनवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेया एंड सोलेन। फिर आपका क्या है कि जब टेम्परेरीली ऑर्गेनिज्म अपने आप को सब स्टेट के साथ में अटैच करता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, बाइसस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे फॉर्म्स को आप क्या बोलते हैं, बाइसेट फॉर्म्स। तो दीज फॉर्म्स आर बाइसली अटैच्ड टू सब स्ट्रेट फॉर टेम्परेरी पीरियड विद हेल्प ऑफ बाइसस। तो इसका एग्जांपल क्या है, पेक्टिन और माइटिलस। ये क्वेश्चन इसी साल गेट के अंदर पूछा हुआ था 2 मार्क्स का, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइसली अटैच्ड फॉर्म, ठीक है। तो उसके अंदर एग्जाम्पल मतलब करेक्ट करना था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो बाइसली अटैच्ड का एक जो मैचिंग था वो क्या था, माइटिलस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते ही रहते हैं। फिर आपके जो सीमेंटेड फॉर्म्स हैं जो चिपकी हुई हैं बिल्कुल, ठीक है, ओशन फ्लोर के ऊपर चिपक चुकी हैं पूरी की पूरी, इस तरह से बिल्कुल स्टिक टू द ओशन फ्लोर। तो इनका एग्जाम्पल आपका क्या है, ऑस्ट्रिया एंड ग्रीफिया, और इनका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, मोनोमेरियन। तो जो सीमेंटेड फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, मोनोमेरियन। मोनोमेरियन का मतलब क्या है कि देर इज़ ओनली वन अडक्टर मसल, ठीक है। तो
अब इसका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अपन। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी जो रेंज है वो कैम्ब्रियन टू प्रेजेंट डे अपने को मिलते हैं, और जो लार्ज नंबर ऑफ प्लेसीपोड्स हैं वो आपके कहाँ कौन सी रॉक्स में रिपोर्ट हुए हैं, सिलूरियन एंड डिवोनियन, ठीक है। और फ्रेश वाटर फॉर्म्स आपको कब मिलती हैं, डेवोनियन में, और ब्रेकिश वाटर फॉर्म्स आपको पोस्ट डेवोनियन। और पेलियोजोइक फॉर्म्स हैं वो आपके एंड ऑफ द एरा एक्सटेंट हो गई थी और नई फॉर्म्स आई थी वापस मेजोजोइक में, ठीक है। अब इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एसिफेला फॉसिल्स हैं, तो ये आपके ऑर्डोविशन लाइमस्टोन ऑफ स्पीटी, इसमें आपको मिलते हैं। एविक्लोपेक्टिन एंड कोनोकार्डियम, ये आपके गुड इंडेक्स फॉसिल्स हैं। हिमालयन ट्रायसिक रॉक्स जो हैं उसके अंदर मेगालोडोन के फॉसिल मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेगालोडोन आर द स्पीसीज विच बिलोंग्स टू क्लास प्लेसिपोडा, ठीक है। ये भी एक बार गेट में पूछा हुआ है कि इनमें से मेगालोडोन आपका, इनमें से कौन सा इन्वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल है, तो चार ऑप्शन दिए हुए थे, तीन आपके इन्वर्टिब्रेट लिखे हुए थे, एक आपका इन्वर्टिब्रेट लिखा हुआ था जैसे मेगालोडोन, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉसिल्स हैं। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट फॉसिल्स हैं उनको अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जेकार्डिटा, कार्डियम, ये एक्सोगायरा है ना, ग्रीफिया, ऑस्ट्रिया, तो ये अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बस आपको इनकी एज ध्यान में रखनी है, माइटिलस पेक्टिन, स्पॉन्डिलस, स्पॉन्डिलस आपका आइसोडोंट होता है ना, तो यह ध्यान में रखना है, बस आपको इनकी एज ध्यान में रखनी है, बाकी कोई जो डिटेल्स हैं इसके लिए अपने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फॉसिल्स हैं जो आपके प्लेसिपोडा क्लास से बिलोंग करती हैं और इनकी एज ये है। तो कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये फॉसिल है कौन से क्लास, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है और उसकी एज क्या है, ठीक है। एक ये विनस है लास्ट में जो बचा है, ये विनस की एज क्या है, मायोसून टू प्रेजेंट डे, ठीक है। सो ये आपकी क्लास प्लेसिपोड है जिसको लेमेलिब्रेंकिया और बाइवोलिया भी बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।